मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के नगर सेवक मोहसिन हैदर साहब। आज राफेल घोटाले पर यहाँ पर जबरदस्त मोर्चा कांग्रेस ने लिया है। आइए हम बात करते हैं मोहसिन हैदर साहब से। मोहसिन हैदर साहब, क्या हमारा देश का जो चौकीदार है वो चोर है? नहीं, इसमें दो कोई शक नहीं। उसकी वजह है कि इस मुल्क का जो है, अगर प्राइम मिनिस्टर ही कटघरे में आ जाए, शक पे आ जाए, हिंदुस्तान की और हवाम जो है शक की नज़र से देख रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपना सफाई दे। लेकिन देख ये रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री पे इल्ज़ाम और राफेल के ऊपर डिफेंस का मसला हो तो कभी कृषि मंत्री की तरफ से, कभी कपड़ा मंत्री की तरफ से, ये और लोगों को चिढ़ाने का काम है, आवाम को और उकसाने के लिए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्या जवाब देगा राफेल के ऊपर, कपड़ा मंत्री क्या देगा? ये सिर्फ जो है और लोगों को ये बताने के लिए, भाई हम जो करें वो कानून। इस तरह की मेंटेलिटी जो है डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। जमहूरियत में हर सवाल का जवाब देनी चाहिए और जवाब देने का हक है और सुनने का जो है हक आवाम की है। ये जमहूरियत है, ये कोई यहाँ पर राजशाही नहीं है कि आप जो बताना चाहते हो बताओ, जो नहीं बताओ। हर चीज़ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि फौरन जो है जो इल्ज़ाम उन पर लगा है उस पर सफाई दे। आज तो कांग्रेस के ही नहीं, हिंदुस्तान की आवाम सड़क पर आई है और कल जो है बहुत ज़बरदस्त ढंग से जो है ये हमला होगा। और हर वो टैक्सपेयर जिसके पैसे के साथ इन लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, 50 करोड़ों का जो है इन्होंने अपने दफ्तर बना लिए, अरबों करोड़ों जो खर्च कर रहे हैं अपने आप के ऊपर, ये कहीं ना कहीं उनको जवाब देना है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि ये जो घोटाला किया है, प्रधानमंत्री जेल बिल्कुल जाएंगे। और ये मुझे यकीन है, जो घोटाला, ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, हिंदुस्तान की आवाम को लूटा है। हिंदुस्तान में शायद कोई इतना इस तरह का डाकू रहा हो। चंबल भी जो है वो जो कहीं पीछे रह गया, इतना बड़ा डकैती कभी हिंदुस्तान के खजाने पे नहीं हुई। और ये मुझे यकीन है कि जो है इस पर बिल्कुल प्रधानमंत्री महोदय जेल जाएंगे। अरे, जिस तरह से हम देखते हैं कि जब भी सरकार के खिलाफ कोई बात उठती है तो उसको दहशतगर्दी से या पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये RSS वालों की जो है खासियत है, आप उनको पूछोगे कितना बजा है तो वो बोलेगा चर्चगेट की ट्रेन कौन सी जाएगी। आप उनको पूछोगे वर्ली कहाँ पर है वो बताएंगे, बस दहिसर का रास्ता बताएंगे। तो ये इनको पूछो कुछ जवाब कुछ देंगे, ये RSS को ट्रेनिंग बिल्कुल से है, ये जो सवाल है उसका जवाब देंगे नहीं। ये जो चाहते हो करेंगे और आपको गुमराह करने की कोशिश करें, कहीं मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, तमाम चीज़ें पुरानी चीज़ें। लेकिन अब इस मुल्क की आवाम इन बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं। आप देख रहे हो, आपने देखा कि राफेल को मोड़ने के लिए 3 तलाक को जो है इन्होंने पास किया, लेकिन कोई हिंदुस्तान की आवाम उस पर गई नहीं। लोगों को राफेल, महंगाई, पेट्रोल, ये तमाम चीज़ आज भी मुद्दा है, तो उसी पर जो है लोग डटे हुए। और मैं समझता हूँ पूरे मुल्क की आवाम अब उन बातों पर जो है मजहब के नाम पर और रीजनल, उस पर लोग आवाम जो है भरोसा नहीं करेगी। और जवाब तो बिल्कुल प्रधानमंत्री महोदय को देना है राफेल के बारे में। शुक्रिया।